क्यों दिखा दे रहे हो चौके में? रुकी, खुशबू तो अच्छा रहा है ये। अलग अलग रखूंगी, पकौड़ी जैसे लग रहा है ना ये, थोड़ा सा करता है। देखो कितना हल्ला कर रही है, ज्यादा तेल होता है तो वैसे वापस रहता है। वीडियो बना रहा हूँ मैं, नहीं बना रहा। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है प्रीति जीरा ब्लॉग में। और सबसे पहले तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो फिर दोस्तों, आज तो त्यौहार है। देखो अभी मतलब सुबह से, मतलब अभी सुबह की अभी 6 बज रखे, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद नहाना धोना है, उसके बाद ही जाके पूरी पकवान बनाते हैं, आपको इतना पता होगा। और छोटी सुबह सुबह उठ गई है और इसको हम लोग निपल में दूध पिला रहे हैं। ये देखो जैसे पी रही है टुकुर टुकुर करके, क्योंकि यार उसको थोड़ा दूध की कमी हो रही है, तो उसके बाद रोती है बहुत ज़्यादा, तो उसको फिर निपल में लैक्टोजन पिला रहे हैं फिलहाल, उसके बाद गाय का दूध पिएगी। तो फिर दोस्तों मैं जाने वाली थी नहाने के लिए, लेकिन यार थोड़ी थोड़ी उड़ गई। मैं पकड़ता हूँ जल्दी से, दो पकड़ो, ये देखो कैसे दिखे पुटल पुटल। तो फिर दोस्तों नहाना तो हो गया है और बड़ा ठंडा हो रहा है और आज मौसम काफ़ी ख़राब है। ये पीछे से पता नहीं कौन है, कॉलगेट कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं मैंने में एक बार। तो फिर यार हम लोगों ने सोचा था छत में बनाएंगे सगड़ में कल की तरह, मक्के की रोड की तरह, लेकिन ससुर जी ने बोला अंदर ही बनाओ, तो अभी हम लोग किचन में बना रहे हैं। यार ऊपर छत में तो मज़ा आने वाला था हमारे। तो फिर दोस्तों हम लोग आ गए हैं किचन में पूरी पकवान बनाने के लिए। नॉर्मली बनाएंगे सबसे पहले तो सभी लोगों को हमारे पूरे परिवार की ओर से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर दोस्तों सबसे पहले हम लोग खीर बना रहे हैं। कल थोड़ा सा ये जो घर घर में कूटते ओखल में वो वाला चावल है थोड़ा सा बिखा रखा है, और ज़्यादा मतलब कि ऑयली तो कोई खाता नहीं है। तो फिर आज त्यौहार है तो थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ेगा, तो फिर हम लोग बना रहे हैं। और उसके बाद मैंने कल बिखा रखा था सूजी, ये देखिए कल मैंने सूजी बिखा रखा था यहाँ पर, इसमें सॉल्ट डाल रखा है और थोड़ा सा दूध में बिखाया और थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि थोड़ा दूध कम था तो इसलिए। तो फिर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बनाते हैं खीर। क्यों दिखा दे रहे हो चौके में? मैं खाली खड़ी हूँ, वैसे पहुंच जाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। घी में बनाएंगे, घी में घोट के बनाएंगे आज खीर को। तो यार देखो घी खुशबू तो अच्छा रहा है ये, हम लोगों ने किसके यहाँ से बना के लाया था यार मुझे उतना पता नहीं है। तो फिर दोस्तों यार वैसे तो सिंपल भी बना सकते हैं, ऐसे चावल डाल के और दूध डाल के फिर बाद में घी भी डालते हैं, लेकिन पहले कि मैं आज घी डालूंगी, उसके बाद चावल को थोड़ा फ्राई करूंगी, उसके बाद जाके दूध डालूंगी। तो मैं सबसे पहले डालूंगी घी, दिख रहा है क्या? हो गया बहुत है, तो फिर मेरा घी हो गया। अब मैं डालूंगी चावल, देखो ये भूल चुका है, तो अब मैं डालूंगी इसमें दूध, हम डालेंगे इसमें दूध, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब थोड़ा बन जाएगा उसके बाद डालूंगी मैं चीनी। तो ये रहा दूध और ये रहा छन्नी मेरा, छन्नी यूज करेगी क्योंकि छन्नी लगाना बहुत जरूरी होता है। तो फिर हम डाल रहे हैं दूध, आज चाय के लिए नहीं बचाना। देखिए इसको, ये देखिए इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे, रेडी कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा सा काजू किशमिश जो भी है वो थोड़ा सा डाल लूँगी, उसके बाद थोड़ा पकेगा, फिर उसके बाद डालूंगी मैं चीनी। इस वाले इसमें चढ़ा देती हूँ, इस वाले में कुछ और बनाती हूँ, उसके इसमें चढ़ाती हूँ क्योंकि इसमें मैं कुछ और ही बनाऊँगी। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मैं इसका आँच बहुत कम कर लिया है क्योंकि खीर को जितने कम आँच में पकाएंगे तो उतना अच्छा पकता है। फिर दोस्तों यार लाइट भी चल रही है और कल मैंने जो सूजी बनाया था वो देखो कैसा बना मेरा सूजी का, वो लग रहा सही बनेगा। दूध और सौंफ में भिगा रखा था मैंने, ये सौंफ डाला था, मतलब सौंफ में भिगाया नहीं था। देखो तो अभी बना के दिखाएंगे, बंद कर सकते। तो इसमें चीनी भी डाल रही, मैं थोड़ा मीठा मीठा बनाऊंगी। सूजी का डुबका बना रहा हूँ, डुबका डुबका बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मैं तो डुबका डुबका बोलती हूँ। तो
कढ़ाई हो गया है, इसमें डालेंगे तेल। तो फिर दोस्तों एक बार ट्राई करते हैं, गीला तो नहीं हो गया ज़्यादा यार, वो हुआ नहीं, हुआ थोड़ा सा नहीं उठाया ठीक से। ये देखिए इसको छोटे छोटे चम्मच से अलग अलग रखूँगी, बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग भी ट्राई करना। कभी भी हम कुछ भी वीडियो बनाने की सोचते ना किचन में लाइट ही चले जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है बार बार। वैसे तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकती थी और बिल्कुल पीला पीला मस्त दिखा, लेकिन हम लोग ये देखिए बस थोड़ा सा बचा है। इसको जितना अच्छे से पकाऊंगे उतने कड़ाड़े होंगे ये, एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई करना। बस कुछ नहीं, अगले दिन थोड़ा सा मतलब सूजी लेके उसमें थोड़ा दूध डाल के और सौंफ डाल के, और हो सके तो आप चीनी भी डाल सकते हो उसी टाइम, बस एक दिन पूरा भिगा दो और सुबह बना लो, और काफ़ी टेस्टी होता है। आपने खाया था ना? तो फिर दोस्तों ये पक गया है, मैं निकालती हूँ इसको, देखो एक ही बात सुनने में सही है ना, ये देखो टन टन कैसा लग रहा है, पकौड़ी जैसे लग रहा है ना, ये थोड़ा सा कच्चा वाला पता नहीं कैसा, ये बन गए। तो अगर खीर थोड़ा सा पक गया है ये देख सकते हैं आप, तो इसमें अभी मैं डालूंगी ये काजू किशमिश बादाम, तो इसको मिक्स कर दूंगी, अभी थोड़ी देर पकेगा तो ठीक है। दोस्तों मैं तो हूँ किचन में, पूरी पकवान बना रही हूँ, थोड़ा सा बनाना है बस हो गया, और बाहर छुट्टी रो रही है शायद, उसको दूध पिला रहे, एक बार देख के आती हूँ क्या कर रहे बोल के। ये यहाँ पे नहा के बैठी है सास, क्या कर रही है, लोग दूध पिलाने में क्यों रो रही रे, देखो कितना हल्ला कर रही है, देखो ससुर जी ने पकड़ लिया, ये सब लोग दूध पिलाने में शांत नहीं करा पा रहे अभी भी। तो फिर दोस्तों ये है चावल का आटा, और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल रखा है, और मैंने डाल रखा है जो है, तो इसका बना रहे हैं हम लोग, मैं बना रही हूँ इसका बाबर, देखो ये पकने वाला है अभी दोबारा, मैं भूल गई थी वीडियो बनाना यार, अभी दिखाऊंगी किस हिसाब से डालते हैं। तो ये थोड़ा सा यार ये जो पहले मैंने सूजी का वो बना रखा था उसका वो लग रहा है, और वो तो इतने बन गए मेरे सूजी वाले, पक गया इसको निकालूंगी, और ये इसको कर सकते हैं, ये देखिए अपने हिसाब से, अगर छोटा मतलब कि जब बाबर बनाते हैं ना उस टाइम तेल थोड़ा कम डालना चाहिए, क्योंकि उससे फैलता है, अगर ज़्यादा तेल होता है तो वैसे वापस आ जाता है। देखिए ये है बाबर, बाबरची देखो कितना फैल गया, देखो मैंने बोला कम तेल डालना, कभी भी जब भी बनाओगे आप लोग भी ज़्यादा तेल डालने से पूरा वो ऐसा फोल्ड टाइप का हो जाता है, देखो पूरा ऊपर पे आ गया तेल ना, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, एक बार पूरे एक साइड से होने दे तब जाके पलटे, तो बना लेती हूँ फिर पूरा तो फिर दोस्तों ये देखिए हमारी छोटी ने भी जो सर में डाल दिया है, और इसको टीका नहीं लगा सकते अभी, इसको जब 6 महीने होंगे तब लगाएंगे, और ये देखो हाथ में कैसे पकड़ रखा है इसने, छोड़ भी नहीं रही है और रो भी रही है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा भूख लग गया था। आगे आ तो जल्दी इतना 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 ही छोटा तो धीरे रो, इतना कैसे खा पाऊं, बाथरूम जा रहा हूं, ले आ जा अच्छा बैठ, यार के ड्यूटी का तो लगाया था, काम क्या करूं। तो फिर यार दोस्तों आज का ब्लॉग ना थोड़ा अजीब सा बन गया है, मतलब बीच में बना है भी कभी, मतलब कि स्टार्टिंग में बना बीच में गायब हो गया, तो ये लास्ट एंडिंग कर रही हूँ, ऐसा हो गया यार, आपको तो पता ही होगा जब छोटे बच्चे हो जाते तो उनकी वजह से मतलब कि काफ़ी काम बढ़ जाता है, तो कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था, तो अकेले छोटे को पकड़ना पड़ रहा था किसी टाइम,
तो बीच में ब्लॉग नहीं बना पाई, बस ऐसे शॉर्ट फॉर्ट टाइप का बन गया, उसके लिए सॉरी। तो फिर दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ।